ऊंट और स्यार की कहानी। एक जंगल में ऊंट और स्यार रहते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। एक दिन स्यार को पता चला कि नदी के उस पार स्थित खेत में लगे तरबूज पक चुके हैं। उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन समस्या इस बात की थी कि वह नदी पार नहीं कर सकता था। तब उसे अपने मित्र ऊंट की याद आई। वह तुरंत ऊंट से मिलने चल पड़ा। ऊंट से मिलकर उसने तरबूजों के बारे में उसे बताया। तरबूजों का स्वाद याद कर ऊंट के मुंह में भी पानी आ गया। वह तैरकर नदी के उस पार जाने की तैयारी करने लगा। तब स्यार बोला, मित्र, मैं भी तरबूज खाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तैर नहीं सकता। क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर अपने साथ ले चलोगे? ऊंट अपने मित्र को कैसे इनकार करता। वह तैयार हो गया। उसने स्यार को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के पानी में तैरने लगा। कुछ ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच गए। दोनों ने वहां तरबूज खाए। जब स्यार का पेट भर गया तो वह तेज आवाज में गुर्राने लगा, याहू याहू। ऊंट ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। इधर उसकी आवाज खेत के मालिक के कानों में पड़ गई। वह दौड़ता हुआ खेत में पहुंचा। खेत के मालिक को देखकर स्यार एक पेड़ के पीछे छुप गया, लेकिन विशाल शरीर होने के कारण ऊंट के लिए यह संभव नहीं था। वह खेत के मालिक की नजर में आ गया। फिर क्या था, खेत के मालिक ने उसे पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते खेत से बाहर खदेड़ दिया। इधर स्यार भी चुपके से खेत के बाहर आ गया। स्यार को देख ऊंट ने पूछा, तुम खेत में क्यों गुर्राने लगे थे? ऊंट की बात सुनकर स्यार कहने लगा, खाने के बाद गुर्राने की मेरी आदत है। स्यार का उत्तर सुनकर ऊंट को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह चुप रहा। दोनों जंगल की ओर लौटने लगे। ऊंट नदी में तैर रहा था और स्यार मजे से उसकी पीठ में बैठा हुआ था। जब वे बीच नदी में पहुंचे तो ऊंट पानी में डुबकी लगाने लगा। यह देखकर स्यार डर गया और बोला, मित्र, ये क्या कर रहे हो? स्यार की बात सुनकर ऊंट कहने लगा, मुझे खाने के बाद पानी में ऐसी ही डुबकी लगाने की आदत है। अब स्यार को अपने किए का पश्चाताप हुआ और उसने ऊंट से प्रार्थना की, हे मित्र, मेरी जान बचा लो। लेकिन ऊंट ने उसकी बात नहीं मानी और वहां से चला गया। स्यार बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। उसे अपने किए का सबक मिल गया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे उसके अनुसार ही फल भुगतना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।